दोस्तों हमारा ये नया चैनल है स्टडी इंडिया, यहाँ पर हम नया जीके लाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जीके का नॉलेज है। आप लोग जो असम गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर जीके का क्वेश्चन ही आता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, पलासी युद्ध का नवाब कौन था। ठीक है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ पलासी। बंगाल का जो पलासी युद्ध हुआ था वहाँ का नवाब कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी हिरल जे कानिया, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भीमराव। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी उभारा गया था। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर टू पर। यहाँ पर पूछा गया है वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द डैश। ठीक है, वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द डैश। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लंदन, एंड ऑप्शन डी जो है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दिल्ली। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI का जो क्लार्क का एग्जाम हुआ था पिछले साल, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता है क्वेश्चन नंबर थ्री पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसने पहले विन किया था, यानी कि जीता था। ऑप्शन दिया हुआ है किस बुक ने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक, कौन सा बुक ने साहित्य अकेडमी का अवार्ड लिया था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अपर, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बनफोल, ऑप्शन डी इंद्र मालोटी। ठीक है, सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बनफुल। ठीक है, बनफुल ने साहित्य अकादमी अवार्ड विन किया था, जीता था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पर। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी फर्स्ट विजिटेड इन असम। महात्मा गांधी पहली बार असम कब आया था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, एंड ऑप्शन डी 1921। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी 1921। ठीक है, 1921 में महात्मा गांधी जी पहली बार असम आए थे। और एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी सेकेंड विजिटेड इन असम। महात्मा गांधी जी ने सेकेंड असम कब आया था, कौन सी ईयर में आया था सेकेंड बार, मतलब दूसरी बार। ठीक है, वो होगा 1926। ठीक है, और जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट विजिटेड इन असम, ये होगा 1921। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब रहे क्वेश्चन नंबर फाइव पर। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड इन असम। असम में पहली बार नेशनल गेम कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 18 February 2008, ऑप्शन बी 18 February 2007, ऑप्शन जी सी 20 February 2007, एंड ऑप्शन डी 21 February 2008। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 18 February 2007। ठीक है, 18 February 2007 यह होगा सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम बाय एरिया वाइज। असम का जो लार्जेस्ट यानी कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है गुवाहाटी, ऑप्शन बी नलबारी, ऑप्शन सी तेजपुर, एंड ऑप्शन डी कार्बी अलोंग। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बी अलोंग। कार्बी अलोंग जो है वो असम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आउट है क्वेश्चन नंबर सेवन पर। यहाँ पर पूछा गया है बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज डैश। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी इकोसिस्टम फ्रेंडली डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम फ्रॉम डाइवर्सिटी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आउट है क्वेश्चन नंबर एट पर। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर वॉज नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड इन असम। ठीक है,
ये दो बार आया है, कोई बात नहीं। इन व्हिच ईयर वाज नेशनल गेम्स वाज हेल्ड इन असम, ठीक है। असम में पहली बार नेशनल गेम कब हुआ था, ये होगा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 12 फरवरी 2008, ऑप्शन बी 18 फरवरी 2007, ऑप्शन सी 12 फरवरी 2006, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी 16 फरवरी 2009। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 18 फरवरी 2007। अब रहे क्वेश्चन नंबर 9 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज एस्टैब्लिश द गुवाहाटी टी एक्शन सेंटर, ठीक है। इन व्हिच ईयर वाज एस्टैब्लिश द गुवाहाटी टी एक्शन सेंटर, ठीक है। गुवाहाटी टी एक्शन सेंटर कब स्थापित हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1955 एंड ऑप्शन डी 1920। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1917। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1917। आगे रहे क्वेश्चन नंबर 10 पर, यहाँ पर पूछा गया है द पार्ट की बिटल इनकम ऑफ आसाम बिन कैलकुलेटेड टू बी आस डैश, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 10,015, ऑप्शन बी 40,500, ऑप्शन सी 12,000 एंड ऑप्शन डी 30,000। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 40,500, ठीक है। पार्ट के विचल इनकम है आसाम का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, यहाँ पर पूछा गया है द ओल्डेस्ट ऑयल फाइल इन इंडिया इज लोकेटेड इन देश। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए डिगबॉय, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी नुम्बलीगढ़, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए डिगबॉय, ठीक है। डिगबॉय जो है वो द ओल्डेस्ट ऑयल फाइल इन इंडिया इज लोकेटेड इन दस डिगबॉय पर ही है, ठीक है। अब रहे क्वेश्चन नंबर 12 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच डे इज द सेलिब्रेटेड बाय द डायबिटीज डे, ठीक है। डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 2nd नवंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर एंड ऑप्शन डी 15 नवंबर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 30 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर द एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इज अप्रोक्सीमेटली। काजीरंगा नेशनल पार्क कितने बड़ा है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 440 square kilometers, ऑप्शन बी 420 square kilometers, ऑप्शन सी 430 square kilometers एंड ऑप्शन डी 460 square kilometers, ठीक है। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 430 square kilometers एरिया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 पर, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दो बार देखा गया था, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 पर, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी किंग डू यू हैव ड्यूरिंग द अहोम पीरियड, ठीक है। हाउ मेनी किंग डू यू हैव ड्यूरिंग द अहोम पीरियड। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 42 एंड ऑप्शन डी 41। सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी 41 किंग, ठीक है, 41 किंग अहोम पीरियड में था। अब है क्वेश्चन नंबर 50 पर, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी लॉन्गेस्ट टू द बोगीबिल ब्रिज। असम का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोगीबिल ब्रिज है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 4.93 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4.30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4.40 किलोमीटर और ऑप्शन डी 4.93 किलोमीटर। सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी 4.93 किलोमीटर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 60 पर, यहाँ पर पूछा गया है जगदीश मुखी इज द डेस्ट इज गवर्नर ऑफ असम, ठीक है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी 24th, जगदीश मुखी इज द 24th गवर्नर ऑफ असम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी एरिया इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ डिब्रूसुखा नेशनल पार्क। डिब्रूसुखा नेशनल पार्क कितने बड़ा है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 340 square kilometers एरिया, ऑप्शन बी 330 square kilometers एरिया, ऑप्शन सी 320 square kilometers एरिया एंड ऑप्शन डी 350 square kilometers एरिया। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 350 square kilometers एरिया। यह है डिब्रूसुखा नेशनल पार्क का अप्रोक्सीमेटली एरिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच प्लेस
लोकेटेड, विच प्लेस इज लोकेटेड, यहाँ पर इस होने चाहिए लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं। विच प्लेस इज लोकेटेड बाई द नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है, विच प्लेस, कौन सी प्लेस में नामेरी नेशनल पार्क स्थापित है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सोनितपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी जोरहाट एंड ऑप्शन डी जसपुर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन हुइच कंट्रीज ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ आसाम, ठीक है, इन हुइच कंट्रीज ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ आसाम, वो कौन सा देश है जो आसाम का वेस्ट साइड में है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो आसाम का वेस्ट जो साइड है उसमें आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुई स्टेट वॉज सेपरेट फ्रॉम आसाम इन 1963, ठीक है, वो कौन सा राज्य है जो 1963 में आसाम से अलग हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन बी नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा ही वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी बनाऊंगा। मेरा जो अगला वीडियो आ रहा है वो APSC का होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।